हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गंधी सूचक किसे कहते हैं? आंसर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका आंसर है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों के साथ खट्टे पदार्थ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो कि विषैले होते हैं, इस कारण दही एवं अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल तथा तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड अम्ल की विशेषताएं लिखिए। तो एसिड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? आंसर, फर्स्ट, जो एसिड होते हैं वो चखने पर खट्टे लगते हैं। एसिड को जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं एवं ये संक्षारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस की विशेषताएं लिखिए। अब हम इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना, बेस यानी क्षार की विशेषताएं। तो आंसर, क्षार चखने पर खट्टे लगते हैं, जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं एंड फिनोप्थेलिन अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कर गुलाबी रंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर कितने पीएच के मान पर क्रियाशील रहता है? तो पीएच परास 7.0 से 7.8 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? आंसर, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वर्षा जल क्रिया करके अम्लीय हो जाता है तथा इससे होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।